दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम हफ्ते की बात के साथ मैं उर्मिलेश। मौजूदा एनडीए सरकार यानी प्रधानमंत्री मोदी की नेतृत्व वाली सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर यानी सत्ता में 8 वर्ष देश के विभिन्न हिस्सों में काफी कार्यक्रम हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के बीच और प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसकों के बीच में काफी जलसे आयोजित हो रहे हैं, भाषण मालाएं चल रही हैं। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने 8 वर्ष पूरे होने पर अपने इन 8 वर्षों को गौरवशाली 8 साल कहा है और ये भी कहा है अपने गृह प्रदेश की एक रैली में कि अपनी जानकारी में उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि देश की जनता का भला नहीं होता। यानी जो भी काम उन्होंने किया देश की जनता के भले के लिए किया, इस तरह की बात उन्होंने कही है। एक और रैली में उन्होंने कहा कि भारत जो है वो प्रधानमंत्री समय समय पर अलग अलग ढंग की बातें बोलते रहते हैं, तो ऐसे एक मौके पर उन्होंने कहा कि भारत जो है वो द्रोण का हब बनेगा। ये द्रोण आप जानते हैं, द्रोण आकाश में उड़ते हुए ऐसे उपकरण, ऐसे यंत्र जो तरह तरह के कामों में उपयोग लाए जाते हैं। ये विध्वंस के काम में भी उपयोगी होते हैं, दुरुपयोग इनका होता है और अच्छे कामकाज में भी इनका उपयोग होता है। तो द्रोण का हब बनेगा। अब ये द्रोण का हब बनना प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे मौके पर कहा तो मुझे पिछले कई वर्षों में अनेक चीजों के हब बनने का उनका जो दावा है वो याद आने लगा। वो कई बार बताते हैं कि अमुक चीज का हब बनेगा इंडिया, इस चीज का हब बनेगा, उस चीज का हब बनेगा, तो इस मौके पर उन्होंने द्रोण का हब बता दिया। अब मुझे याद आ रहा है कि कुछ ही समय पहले उन्होंने कहा था कि भारत बच्चों के खिलौनों का हब बनेगा। इसी के आसपास उन्होंने एक बार कहा कि सेमी कंडक्टर का हब बनेगा इंडिया। एक बार उन्होंने कई बड़ी सभा में कहा कि इनोवेशन का हब बनेगा इंडिया और बहुत दिन तक इनोवेशन का हब ये चलता रहा। इसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ग्लोबल हब बनाने की बात की भारत को, कि भारत जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्लोबल हब बनेगा और मैन्युफैक्चरिंग का हब भारत बनेगा। ये बात तो प्रधानमंत्री मोदी से लेकर प्रधानमंत्री मोदी की जो मंत्रिपरिषद है उसके अनेक सदस्य लगातार कहते रहे हैं। इसके अलावा स्टार्टअप का हब बनेगा, एजुकेशन का हब बनेगा। तो ये जो तमाम जो चीजों का हब, तमाम जो डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स या तमाम जो ऐसी चीजें हैं जिनसे देश की, समाज की तरक्की हो सकती है, इसके हब बनाने का जो आह्वान या संकल्प जो प्रधानमंत्री बार बार दोहराते रहते हैं, उसमें से क्या किसी भी चीज का हब बना इंडिया? आइए उठाते हैं हम एक मुद्दा, फिर हम द्रोण पर आए न आए, द्रोण तो हवा में उड़ जाएगा, न जाने कब कहां उतर जाएगा। लेकिन एजुकेशन के हब बनाने की बात जो माननीय प्रधानमंत्री ने कही 8 वर्षों की इस अवधि के मौके पर याद करना उसको जरूरी है। दोस्तों एजुकेशन हब बनाने की बात एक तरफ है और दूसरी तरफ शिक्षा का विध्वंसीकरण दूसरी तरफ है। हमारे पास दुनिया के महानतम विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल करने लायक विश्वविद्यालय पहले भी बहुत कम है, बहुत कम है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि हम और दरिद्र हो गए हैं। प्राइमरी और जो माध्यमिक एजुकेशन है उसमें जो सरकारी हस्तक्षेप है, सरकार का जो इंटरवेंशन है, सरकार का जो निवेश है, सरकार का जो योगदान है, वो पहले से बहुत ज्यादा घटा है और एक आकलन के मुताबिक तकरीबन 40% से भी ज्यादा वो घटा है। राज्य सरकारों के पास धन का रोना है और अनेक राज्यों में शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा में कटौती की जा रही है, स्कूलों में कटौती की जा रही है। स्कूलों को प्राइवेटाइज या तो किया जा रहा है या उनको एक तरह से
प्राइवेट हाथों में सरकारी कृत विद्यालयों को भी सौंपा जा रहा है। दोस्तों, उच्च शिक्षा का जो हाल है हमने यूक्रेन क्राइसिस के दौरान देखा, यूक्रेन वॉर के समय देखा कि कितनी भारी संख्या में हमारे छात्र जो है यूक्रेन जैसे मुल्क में, हम अपने को विश्व गुरु कहते हैं, यूक्रेन जैसे मुल्क में कितने सारे हमारे छात्र जो है MBBS की एडमिशन यहाँ नहीं हो पाता, कॉलेजों का विस्तार हमने नहीं किया, हमने जो गुणवत्ता होनी चाहिए उसका विस्तार नहीं किया, जितनी हमारी संभावना है उसको हमने निचोड़ा नहीं, लिहाजा बहुत सारे छात्र जो है छोटे मझोले देशों में जाते हैं और वहां पर अकूत संपदा, भारत की अकूत संपदा चली जाती है, यहाँ के लोग जो है अपना पैसा खर्च करते हैं और इतनी ज्यादा वहां पर फीस होती है, इतना ज्यादा वसूली की जाती है, इसके बावजूद लोग MBBS की शिक्षा लेने के लिए वहां चले जाते हैं सो दैट टू डॉक्टर बन सकें। तो ग्रेट क्राइसिस के समय हमने देखा। और दोस्तों, जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब भी 2021 यानी 2021-22 का एक आंकड़ा है जो संभवतः 2021 के कार्यकाल का है, जबकि आप जानते हैं कि ये कोरोना दौर रहा है, इस दौर में भी 4,44,000 जो युवक हैं विदेश गए हैं शिक्षा के लिए, कुल 11,33,000 भारतीय छात्र विदेश में हैं। तो ये हो सकता है कि आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग ढंग से जाते हैं, कोई टूरिस्ट वीजा पर जाता है, कोई कैसे चला जाता है, कई उसके भी अपने अपने पहलू हैं। तो हमारा ये कहना है कि जिस मुल्क में आप एक छोटी सी बात देखिए, हमारे विश्वविद्यालयों में एडमिशन का कितना रोना है, प्राइवेटाइज किया जा रहा है एजुकेशन, जबकि जिस समय भारत को सर्वाधिक राजकीय विश्वविद्यालयों की जरूरत है, राज्य संचालित विश्वविद्यालयों की जरूरत है, उस वक्त राज्य संचालित विश्वविद्यालयों की संख्या एक तरफ सीमित है और दूसरी तरफ प्राइवेट ओन्ड जो विश्वविद्यालय हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, जिसमें लाखों रुपया लेकर के बच्चों का दाखिला होता है। अब सवाल इसमें है कि आम आदमी के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, आम आदमी के बच्चों का क्या भविष्य है इस मुल्क में। तो आम आदमी के बच्चों के भविष्य के बारे में ऐसा लगता है कि मौजूदा सरकार बिल्कुल नहीं सोच रही है। हम तो चाहेंगे कि मौजूदा सरकार 8 साल के इस मौके पर क्यों नहीं बताती कि सत्ताधारी दल के, बल्कि सत्ताधारी दल भी उठा लीजिए, जितने माननीय सदस्य हैं, बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, बड़े अधिकारी हैं देश के, उनके बच्चों का परसेंटेज कितना है जो विदेश में पढ़ते हैं और कितना देश में पढ़ते हैं, इसका एक आंकड़ा दे दिया जाए। मौजूदा जो कैबिनेट है उसके कितने मंत्री ऐसे हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजे हुए हैं, कितने लोग अपने बच्चों को भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं और कितने बाहर के विश्वविद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। तो आप एक तरफ विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, वो स्वयं ही अपने बच्चों को विदेश भेज रहे हैं। तो ये तो स्थिति है हब जो बनाने की बात चल रही थी कि ड्रोन का हब इंडिया बनेगा, तो एजुकेशन का हब नहीं बना इंडिया, ड्रोन का हब बना लीजिए, तीर धनुष का हब बना लीजिए, बुलडोजर का हब बना लीजिए, फिर ये भी तय कर लीजिए कि बुलडोजर का यह हब इंडिया बनेगा कि ड्रोन का हब बनेगा। तो मुझे लगता है कि प्रायोरिटीज कहीं ना कहीं डाइवर्टेड है, कहीं ना कहीं उनमें सुस्पष्टता नहीं है कि आखिर इस मुल्क को बनाना क्या है, इस मुल्क को किधर ले जाना है, इन 8 वर्षों में ये चीज समझ में नहीं आई है। और दोस्तों, एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या इस मुल्क की है 8 वर्षों में, जिस पर सरकार ने गौर नहीं किया, वो कहते हैं कि भारत को ताकतवर बनाया गया है, लेकिन क्या कोई मुल्क आसमान, इतनी असमानता इस मुल्क में पैदा हो गई हो, इतनी असमानता, पहले अपने मुल्क में गरीबी केवल थी, आज असमानता के सूचकांक में हम ग्लोबल सूचकांक में भी हम ऊपर हो गए हैं, भयानक स्थिति हमारी है। हमारे बारे में कहा जाता है, और ये बिल्कुल आंकड़ा जो है 100% सही है, कि इस वक्त भारत जो है दुनिया के उन गरीब देशों में है जहां असमानता सर्वाधिक है, बहुत ज्यादा जहां असमानता है।
और विश्व असमानता रिपोर्ट बताती है कि देश की टॉप 10% जो आबादी है, 10% आबादी जो केवल जो सबसे टॉप के लोग हैं, उनके पास 57% राष्ट्रीय आय है। यानी पूरी जो राष्ट्रीय आय है उसमें 57% हिस्सा सिर्फ टॉप 10% लोगों के पास है, और जो शेष 50% लोग हैं देश के, जिसमें सबसे अधिक संख्या आती है, उनके पास 13% केवल है राष्ट्रीय आय का, 13%। तो ये हाल हमारी राष्ट्रीय असमानता का है कि हमारे मुल्क में असमानता किस कदर फैली है। दूसरी बात दोस्तों कि आप स्वयं रिपोर्ट जो है वो केवल विश्व की पूरी एक 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 सिनेरियो पेश करती है, लेकिन उसमें भारत का जो हिस्सा है वह भी पढ़ने लायक है, किस कदर हम लगातार असमानता की जो जो की जो एक गिरावट है उसमें हम लगातार दर्ज होते रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों असमानता के अलावा हमने जो आर्थिक मोर्चे पर बहुत सारे जो सरकार ने दावा किया कि उसने काम किया नोटबंदी के बारे में, नोटबंदी से मैं समझता हूं कि ये जितने दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो साबित कर चुके हैं कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का और ज्यादा विध्वंस हुआ। मौजूदा 8 सालों के दौरान अगर मीडिया का कॉन्टेक्स्ट देखें, मीडिया का प्रसंग देखें, तो इतना ज्यादा घुटना टेकू मीडिया, या यूं कहा जाए कि इतना ज्यादा दब्बू मीडिया, या मीडिया जो मीडिया का काम ही नहीं कर रहा है, सिर्फ घंटा बजा रहा है सरकार का, ये मीडिया जो है सामने आकर मुंह बाए खड़ा है। और यही कारण है कि आज दुनिया में जो प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स है उसमें 180 मुल्कों में भारत 150वें नंबर पर है, और हम नेपाल और बांग्लादेश इस तरह के जो देश हैं अपने पड़ोस के, उनसे भी हमारी स्थिति गई गुजरी है। और दोस्तों शासकीय संस्थाएं और संवैधानिक संस्थाओं की जो स्थिति है, इतना बुरा हाल है कि वहां पर उनकी स्वायत्तता, उनकी स्वतंत्रता बिल्कुल ऐसा लगता है कि सरकार के हाथों गिरवी रख दी गई है। सरकार जो चाहती है जैसे चाहती है वैसे करा रही है। तो ये हाल है इन 8 वर्षों का। इन 8 वर्षों में अगर सरकार दावा करती है कि उसने भारत की जनता के लिए कुछ भी बुरा नहीं किया, तो हमारा एक सवाल है, आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी के आज के अखबारों में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं संडे को, तो ये बयान छपा है कि भारत की जनता के भले के लिए उन्होंने किया, भारत की जनता को उनके किसी काम पर शर्म नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल उनका दावा अपनी जगह है, लेकिन आज ही के अखबार में उसी खबर के बगल में एक खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने मद्रास हाई कोर्ट के लिए जजों का जो चयन किया और उसको भारत सरकार को जो भेजा क्लियरेंस के लिए, उसमें ऐसे ही जजों के नाम, प्रस्तावित जजों के नाम अभी तक क्लियर नहीं हो पाए जो संजोगवश माइनॉरिटी कमिटी से आते हैं। ये प्रसंग सा मैंने उठा दिया, लेकिन कौन नहीं जानता कि भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर भयानक अटैक इस वक्त है। आप सिर्फ अयोध्या के बाद समझा गया था कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता क्लियर हो गया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, आगे कोई स्थितियां ऐसी नहीं, अप्रिय स्थितियां नहीं पैदा होंगी, लेकिन ज्ञानवापी के बाद पुनः मथुरा के बाद कुतुब मीनार, ताजमहल, और अब तो अजमेर शरीफ भी, इन पर भी सवाल उठाया जा रहा है। तो दोस्तों, और इस पर जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वे सारे के सारे अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, ऐसे में सवाल उठता है, मैं नहीं मानता कि वो हिंदू हैं। हिंदू पक्ष ये मीडिया लिखे जा रहा है, कौन सा हिंदू पक्ष, आम लोग इस देश के कहां ये सब करते हैं, ये खुराफात, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ हिंदुत्ववादी किस्म के लोग करते हैं जिनके लिए हिंदुत्व राजनीतिक धर्म है, एक राजनीतिक विचारधारा है। और दोस्तों आश्चर्यजनक है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार या स्वयं प्रधानमंत्री इस पूरे मुद्दे पर अब तक खामोश बने हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि मौजूदा 8 वर्ष में ये कुछ बड़े सवाल खड़े हैं जिन पर प्रधानमंत्री को रूबरू होना चाहिए, और सिर्फ आप प्रशंसा से काम नहीं चलेगी, आत्मालोचना भी होनी चाहिए, देखना चाहिए कि सच क्या है और सच दिखाया जा रहा है जो उसमें कितना सच है। तो इन शब्दों के साथ आज इतना ही, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।